लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। बांदा में इंडिया बांधन के सपा प्रत्याशी शिवशंकर पटेल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचे नामांकन स्थल। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद संसदीय क्षेत्र में विकास करूंगा। किसी भी जनप्रतिनिधि ने विकास नहीं करवाया, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है। मंत्री पद पर रहने के बाद भी आज तक एक रुपए का घोटाला मेरे द्वारा नहीं किया गया है, बाकी में बंटवारा है। वोट को लेकर बोले सपा प्रत्याशी शिव शंकर पटेल। नामांकन दाखिल करने आए हैं, इसमें मुझे लगता है कि जनता का जिस प्रकार का स्नेह प्यार मिल रहा है आपको, और वो उसमें नामांकन के बाद और साफ हो जाएगा। यहाँ मुझे लगता है कि हम आधे से ऊपर हम रहेंगे, आधे में बाकी सब रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी का एक बात आपने सुनी होगी, इस समय वो माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वीडियो कई वायरल हो रहा है। जो गलती करेगा वो माफ़ी मांगेगा। क्या कहेंगे आप उसमें? मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी मंत्री रहा हूँ, पत्नी मेरी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, भतीजा मेरा ब्लॉक प्रमुख रहा है, मेरे ऊपर एक रुपया का कोई दाग नहीं लगा सकता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ना कोई व्यापारी हूँ, मैं कुछ शुद्ध किसान हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि जनता का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी से मेरी लड़ाई, मैं जब बता दिया कि आधे से ऊपर मैं रहूँगा, आधे में बाकी सब रहेंगे, तो लड़ाई कहाँ लगाऊँगा। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके क्षेत्र में? यहाँ तो समस्याएं भरी पड़ी हैं, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया, जो सांसद के प्रत्याशी रहे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता उन्हें नकार रही है। जो भी जनता की समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं जो बहुत बड़ी बड़ी पड़ी, जैसे 5 फैक्ट्री हो सकती है, 5 की कताई मिल हो सकती है, और भी बड़ी समस्याएं इस प्रकार की हैं, लेकिन एक जो जनता की समस्याएं हैं, जो आज जनता त्राही त्राही कर रही सरकार में, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम करूँगा, उनकी लड़ाई करूँगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।